वेलकम टू जेके स्टडी लवर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइंस, दैट इज़ विटामिन डिजीज रिलेटेड टू द विटामिन डेफिशिएंसी। और लास्ट में हम करेंगे एमसीक्यूज इसके रिलेटेड। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों टॉपिक, जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर के लिए। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो में बने रहें। सो हम करने वाले हैं इसको कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, शुरू करेंगे विटामिन्स होते क्या हैं। सो सबसे पहले आप नोट कर लें कि विटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। मीन वो हमें किससे लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द फूड, या फिर फूड से हम लेते हैं या फिर विटामिन सप्लीमेंट से। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द फूड या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट्स जो हम लेते हैं उनमें विटामिन होती हैं। ठीक है, सो विटामिन क्या हो गए, हमने नोट किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बॉडी में नहीं होते, बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फूड या फिर विटामिन सप्लीमेंट में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंटर्स, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो ये जल्दी जल्दी ईजी हो जाएगा आपके लिए इसको रिमाइंड करना। सो नेक्स्ट है, आपने नोट करना है कि हु काइंड द टर्म विटामिन। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो आपने नोट कर लो इसको कि ये किसने कॉइन किया, कश्मीर फंक ने कॉइन किया। कश्मीर फंक कॉइन द टर्म विटामिन। ठीक है, VITAMINE। ठीक है, ऐसे उन्होंने कॉइन किया था विटामिन। ठीक है, और उसके बाद इसको चेंज कर दिया, विटामिन में चेंज हो गया, MIN। ठीक है, विटामिन में चेंज हो गया। अब ये हो गया हमारे पास, कश्मीर फंक ने कॉइन किया था। अब एक इंपॉर्टेंट है और चीज़ आपने नोट करनी है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ विटामिन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, सो नोट कर लें, फादर ऑफ विटामिन हॉपकिन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लें। चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। आगे हम करने वाले हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन, विटामिन के करेक्टर क्या होते हैं, पहले आप याद रखें। करेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे कि विटामिन दो तरह के होते हैं। विटामिन होते हैं हमारे पास टू टाइप के, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या आते हैं आप नोट कर लें, वाटर सॉल्युबल विटामिन दो विटामिन होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं बॉडी में विद द हेल्प ऑफ द वाटर, वो क्या हो जाते हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी में, एकोमुलेट नहीं होते वो। ठीक है, सो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें है हमारे पास एक विटामिन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स जो विटामिन है, ये ग्रुप है विटामिन का, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बी कम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, और आगे है दूसरा क्या है, ये क्या हो जाते हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से विद यूरिन। ठीक है, यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी में। तो कौन कौन से हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, ये आप नोट कर लें। अब चलते हैं आगे, आगे कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। इसको आप याद रख सकते हैं, के ए डी ई, ऐसे याद रख लें। सो ये हो गया हमारे पास, इसको पढ़ सकते हैं आप कड़ी। ठीक है, सो ऐसे याद रख सकते हैं आप कड़ी। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हो गए, कड़ी, ऐसे याद रख सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। ठीक है, ये हो गए फैट सॉल्युबल। अब इनमें क्या होता है, ये हो जाते हैं स्टोर किसमें, ये हो जाते हैं हमारे पास स्टोर एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, ये टाइप्स होती है टिश्यू की, अब ये क्या करते हैं, ये इनको सेव हो जाते हैं ये, और इनको हम लेटर यूज़ कर सकते हैं, मेन बॉडी के काम आती हैं ये लेटर यूज़ में। ठीक है, सो कौन कौन से हो गए हमने देखा, एक हो गया विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल देख लीजिए, विटामिन कौन से, बी कम्प्लेक्स। ठीक है, बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये हो गया विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद हमने देखे फैट सॉल्युबल विटामिन, इसमें कौन सा है, आपने याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है कड़ी। ठीक है, के ए डी ई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये होगी। ठीक है, फैट सॉल्युबल क्या हो गए, एकुमुलेट होते हैं बॉडी में। डिफरेंस क्या है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में, वाटर सॉल्युबल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूरिन, और फैट सॉल्युबल क्या हो जाते हैं, एकुमुलेट हो जाते हैं कहाँ पर, एडिपोज टिश्यू में और लीवर में, और लेटर यूज़ के लिए काम आते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया पूरा, कि पूरा कंसेप्ट हमने कर लिया विटामिन का। अब चलते हैं केमिकल नेम्स विटामिन के। ठीक है, तो केमिकल नेम की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम में। सो पहला है कि विटामिन ए, पहला विटामिन ए, सो इसका नाम है रेटिनोल। केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल, और इससे डेफिशिएंसी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इससे डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए क्या है, रेटिनोल केमिकल नेम है, और नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी एसोसिएटेड है। आगे है जी विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, थाइमिन।
थाइमिन है केमिकल नेम, आगे है बेरी बेरी, ठीक है, आगे है बेरी बेरी, इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद है जी विटामिन सी, विटामिन सी इसका होता है हमारे पास केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे डेफिशिएंसी कौन सी होती है, स्कर्वी। ये क्वेश्चन जो है विटामिन सी वाला, ये डायरेक्ट पूछा हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पे, ठीक है, कि स्कर्वी किसकी वजह से होती है। सो मेक श्योर कि आप इसे नोट करें और आराम से इसको देखें और माइंड में अपने बैठा लें। आगे है जी विटामिन डी, सी कर लिया हमने, सी क्या है एस्कॉर्बिक एसिड, और क्या होती है स्कर्वी, ये कौन सी होती है स्कर्वी, क्या होती है ये टीथ के रिलेटेड होती है, टीथ के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है टीथ से। आपको पता होगा विटामिन डी सोर्स क्या है, हमारे पास सनलाइट जो होती है, सनलाइट इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का, ठीक है। अब विटामिन डी इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफीरोल, कैल्सीफीरोल केमिकल नेम है, और इससे क्या होती है रिकट्स होती है, रिकट्स क्या होता है कि हड्डियों में वीकनेस हो जाती है, और ऑस्टोमलेशिया ये भी होती है हड्डियों में वीकनेस, ठीक है, रिकट्स और ऑस्टोमलेशिया इसकी होती है डेफिशिएंसी, और केमिकल नेम क्या है कैल्सीफीरोल। मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे है विटामिन ई, सो गाइस विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल, और इससे डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी वेरी रेयर होती है इसकी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी वेरी रेयर होती है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी वेरी रेयर होती है, तो वो है विटामिन ई, विटामिन ई है, ठीक है, डेफिशिएंसी वेरी रेयर होती है। हीमोलिटिक एनीमिया इन न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी में हीमोलिटिक एनीमिया होता है, मीन खून की कमी होती है उनमें, तो वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का कौन सा केमिकल नेम होता है, टोकोफिरोल, ठीक है। आगे है विटामिन के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है, और ये विटामिन देखिए क्वेश्चन में ये वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन के ये हेल्प करता है हमें ब्लड क्लॉटिंग में, आप नोट कर लें, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है, और इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन हो गया केमिकल नेम, और इससे क्या होता है ब्लीडिंग डायाथीसिस होती है, ठीक है, फाइलोक्विनोन और ब्लीडिंग डायाथीसिस, ठीक है, ये हो गया, हमने कर लिए यहाँ तक केमिकल नेम विटामिन। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको आप भूल जाइए पूरा, हमने कितने विटामिन किए, विटामिन ए बी सी डी ई और के, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं इसको ऐसे कि एक नोट कर लें ऐसे कि आप पूरे पहले विटामिन लिखें, विटामिन ए बी सी डी ई और के, उनके आगे लिखें, ए के आगे लिखें, आप पूरा पहले याद रख लें ये पैराग्राफ, आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ये है रेत थी ऐसी कल तक चली, ठीक है, रेत थी ऐसी अब रेत, रेत से क्या पड़ता है ये जैसे रेटिनोल है, ठीक है, इससे जुड़ता है ये, ठीक है, उससे थी, थी से आप याद रख सकते हैं केमिकल नेम किसका, विटामिन बी, बी का क्या है थाइमिन, ठीक है, थी ऐसी ऐसी, अब उससे आगे कौन सा है विटामिन सी ऐसी, उसका क्या हो गया ऐसी ऐसी से, यहाँ पे याद रख सकते हैं आप थाई ऐसी से याद रख सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद आ गया विटामिन डी, अब हमने क्या किया रेत थी ऐसी कल तक चली, पहले आपने ये पूरा याद रखना है, रेत थी ऐसी कल तक चली, रेत से रेटिनोल, थी से थाइमिन, अब इससे आ गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, कैल्सी, कल, कल से क्या आ गया कैल्सी फिरोल, ठीक है, कल से आ गया कैल्सी फिरोल, ये विटामिन डी और ई, ई ई का क्या है टोकोफिरोल। यहाँ पर देखो रेत थी ऐसी कल तक, तक 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 से आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्या बनेगा इसका टोकोफिरोल, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया रेत थी ऐसी कल तक चली, और विटामिन के को आप याद रख सकते हैं ऐसी कि इसका है फाइलोक्विनोन, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, सो रेत थी ऐसी कल तक चली, इससे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं पूरा ये, जैसे ये रेत थी ऐसी, विटामिन ए आप याद रख सकते हैं पहले रेत, जैसे रेत हो गया, ठीक है, मैं उर्दू में लिख रखा हूँ रेत, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं रेटिनोल आ गया, रेत थी ऐसी, अब दूसरा है थी, थी से क्या बनेगा थाइमीन, ठीक है, उसके बाद है थाइमीन, उसके बाद है रेत थी ऐसी कल, कल से क्या आ गया दोस्तों आ गया हमारे पास कल से कैल्सीफिरोल, तक तक से क्या आ गया टोकोफिरोल, सो ऐसे आप पूरा याद रख सकते हैं, कल तक तक से क्या आ गया टोकोफिरोल, और चली और विटामिन याद रख सकते हैं के का क्या आ गया टोको फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ये हमने कर लिया पूरा, केमिकल नेम आपको आई होप याद हो चुके होंगे। चलते हैं आगे, आप विटामिन बी ग्रुप्स होते हैं ये, तो इसमें आपने देखना, हम देखेंगे विटामिन, इसमें है जी पहले विटामिन बी वन, बी वन का केमिकल नेम है थाइमीन, ठीक है, वही जो विटामिन बी का नेम है वही बी वन का है नेम थाइमीन, ठीक है, इससे डेफिशिएंसी क्या होती है, पीछे हमने देखा है बेरी बेरी होती है डेफिशिएंसी, ठीक है, ये चाइल्ड में होती है। अब उसके बाद है विटामिन बी, अरिबो फ्लेवोनेसिस, ये याद रखना है, बी वन बी टू हो गया, पी थ्री है नायासिन, पी थ्री है नायासिन,
और इससे क्या होती है, पेलेग्रा, ये होती है इससे डिफिशेंसी। चलते हैं आगे, आगे है बी फाइव पेंटोथिनिक। बी फाइव क्या है, बी फाइव, फाइव फाइव को हम पेंट भी बोलते हैं मैथ मैथ्स मैथ्स में, मैथ्स की लैंग्वेज में। सो ऐसे याद रख सकते हैं आप पेंटोथिनिक, ठीक है, पेंटोथिनिक एसिड हो गया, और इससे होता क्या है, पैरेस्थीशिया, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो पैरेस्थीशिया होता है। आगे है विटामिन बी सिक्स, बी सिक्स की होती है केमिकल नेम है जी पाइरिडॉक्सिन, और इससे क्या होता है, एनीमिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। आगे है जी विटामिन बी सेवन, बी सेवन से क्या केमिकल नेम है, बी सेवन बायोटिन, और इससे क्या होती है, डर्मेटाइटिस और इंट्राइटिस, ये स्किन रिलेटेड डिजीज हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होती है ये। अब आगे है विटामिन बी नाइन, सेवन हो गया, उससे उसके बाद है विटामिन बी नाइन, बी नाइन है फोलिक एसिड, और डेफिशिएंसी ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद दी बर्थ डिफेक्ट सच एज न्यूरल, ये नोट कर लें, ठीक है, इससे ये डेफिशिएंसी होती है। आगे है विटामिन बी ट्वेल्व, सो ये नोट कर लें विटामिन बी ट्वेल्व, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालेमिन, और इसको कभी कभी कोबालेमिन भी आप देखेंगे कई बुक्स में लिखा होगा कोबालेमिन। सो इससे क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये आपको मिलेगा आगे क्वेश्चन में, एमसीक्यूज भी हम करने वाले हैं इसके बाद। सो चलते हैं आगे, ये हमने कर लिया पूरा, ठीक है, ये आप लिख लें और इसको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो जाएगी, या कि आप एसएससी का अगर देखेंगे या फिर जेके एसएसबी का देखेंगे, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा। ये हमने पूरा कर लिया, किसने कॉइन किया पूरा हमने एक बार फिर देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक हमने देखे, फादर कौन है इसका, करेक्टरिस्टिक देखे, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई, ठीक है, आप उससे याद रख सकते हैं ये। उसके बाद बी ये कि ये इनसी डेफिशिएंसी कौन कौन सी होती है, तो चलते हैं अब ये करने के बाद, चलते हैं अब एमसीक्यूज की तरफ, एमसीक्यूज भी हमने लिए हैं। मैं पीछे आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन के, डी है विटामिन डी। सो नोट कर लें, आपको पता होगा, आपने मार्क कर लिया होगा राइट आंसर इसका, आई होप। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर के, विटामिन के है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। इसका केमिकल नेम आप बताएं, केमिकल नेम क्या है, फाइलो फाइलो क्विनोन केमिकल नेम है इसका, ठीक है, विटामिन ए बी सी ये भी आप कर लें इनका केमिकल नेम। अब आगे है विटामिन, आगे क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, टू है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग रीजन फॉर द ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लोकोमा, बी है विटामिन ए डेफिशिएंसी, सी है कैटरैक्ट, डी है कलर ब्लाइंडनेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। ए का विटामिन मैंने आपको बताया था, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, रेटिनोल। आ गया विटामिन, इसकी डेफिशिएंसी की से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। आगे है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, ऑप्शन नंबर ए है बी ट्वेल्व, बी है बी टू, सी है बी सिक्स, और डी है विटामिन बी वन। नोट कर लें जल्दी जल्दी, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी वन। केमिकल नेम क्या है, थाई थाई मीन, ठीक है, थाइमीन है इसका केमिकल नेम। आगे क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स काज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऊपर हमने किया था, ठीक है, सो ये हमने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पाइरोडॉक्सिन, बी है नायसिन, सी है फॉलिक एसिड, डी है कोबाल एमीन। नोट कर लें जल्दी जल्दी, राइट आंसर है इसका कोबाल एमीन, आई होप आपने कर लिया होगा कोबाल एमीन। ठीक है, सो कोबालमिन भी बोलते हैं इसको। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज फैट सोलूबल विटामिन, विच इज फैट सोलूबल विटामिन, यहाँ में आपने आपने बताना है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, बी है विटामिन के, सी है विटामिन बी ट्वेल्व, डी है विटामिन सी। ठीक है, नोट कर लें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कड़ी के ए डी ई, ये कौन से हैं, फैट सोलूबल, और दूसरे मैंने आपको बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स जो भी हैं बी वाले, और विटामिन ये कौन से हैं, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ऊपर हमने किया हुआ है ये बिल्कुल। चलते हैं आगे, आगे है जी क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन इज कॉज्ड ड्यू टू, डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन क्या काज करती है, ए है स्कर्वी, बी है रिकेट्स, सी है एनीमिया, डी है पेलेग्रा। जल्दी जल्दी करें, नोट करें अपना आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेलेग्रा। ठीक है, सो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।